शरद पूर्णिमा पर आइए जानते हैं कुछ खास और सरल उपाय, साथ ही जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी को मनाने का मंत्र और कैसे पाए सौभाग्य का आशीर्वाद। सबसे पहले बात करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन क्या उपाय करें। सफेद फूल जैसे कि सफेद गुलाब, चंपा, चमेली, चांदनी, कुमुदनी, सफेद मोती, सफेद फल, सफेद चमकीले वस्त्र, सफेद अनाज जैसे कि चावल, सफेद मिठाई जैसे खीर आदि चंद्रमा और श्री कृष्ण को आप अर्पित करें। महालक्ष्मी को पीली और लाल सामग्री चढ़ाएं। मोर पंख को बांसुरी में बांधकर पूजन करें। घी का अखंड दीपक जलाएं। घर की पानी रखने की जगह पर स्वास्तिक बनाएं। शरद पूर्णिमा की रात में की गई पूजन और आराधना से साल भर के लिए लक्ष्मी और कुबेर की कृपा प्राप्ति होती है। इसके अलावा मनोबल में वृद्धि, स्मरण शक्ति और खूबसूरती में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी इस दिन विशेष प्रसन्न होती है क्योंकि मान्यता अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से वे अवतरित हुई थी। इस दिन उनसे मनचाह वरदान पाना आसान होता है। शरद पूनम पर माँ लक्ष्मी की आराधना अवश्य करें। आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी को मनाने का मंत्र। भागवत महापुराण में कहा गया है कि आप चाहते हैं आपका भाग्य सौभाग्य बन जाए तो शरद पूनम पर चमकीले श्वेत और सुंदर चंद्र देव को इस मंत्र से पूजे। चांदी के बर्तन में दूध और मिश्री का भोग लगाकर इस मंत्र का रात भर जप करें। शरद पूर्णिमा की रात आप इस मंत्र से सौभाग्य का आशीर्वाद पा सकते हैं। मंत्र है